किया गेट लाइन फंक्शन का। गेट लाइन फंक्शन में जो डेटा आपको लिखना है, जो इनपुट आप दोगे वो डेटा के फॉर्म में आएगा और उसकी साइज हमने लिख ली कि इतने वर्ड आप लिख सकते हो 100। इतने क्या कर सकते हो आप, 100 वर्ड लिख सकते हो एक लाइन में, ये साइज दी हमने। क्योंकि हमें कोई वेरिएबल नहीं, क्योंकि इसमें देखिए मैंने, आप इस फाइल को देखिए, यहाँ पर लिखा है राकेश, मैं वंस अगेन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, एंटर योर नेम RAKES राकेश KUMAN कुमार JAIN। मैंने इंटर किया, एंटर योर एज 25। नाउ लुक एट दिस, मेरा प्रोग्राम फर्निश्ड हुआ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा है राकेश कुमार जैन, मतलब यहाँ पर जो स्पेस भी आ रहा है तो वो भी काउंटिंग में आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए गेट लाइन फंक्शन का कि एक पूरी लाइन लिखना है हमें, ठीक है, उसमें स्पेस भी आएगा तो इट विल ऑल्सो रीड, तो उसके लिए हमें गेट लाइन फंक्शन। अगर इसकी जगह आप बोलते कि सर आप जो सी इन हमेशा किस तरह यूज करते हैं वैसा ही आप लीजिए, तो ये फिर प्रॉब्लम करता, आपका स्पेस के बाद जो आप लिख रहे हो वो नहीं रीड कर पाता। तो पूरी लाइन रीड करवाना है तो गेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, आप उसको लीजिए और इंटर करके आप अपने वर्क को, मतलब जो आपको फाइल पर लिखना है वो लिख लीजिए। तो जैसे ही आपका यहाँ से आए तो आउटपुट जो फाइल है, आउटपुट फाइल मतलब जो हमारा आउटपुट फाइल मीन्स जो ऑब्जेक्ट बनाया उसने क्या किया, डेटा को लिखा, ठीक है, जो फाइल ओपन करी थी आउटपुट फाइल में aafile.date उसके अंदर इस डेटा को पास किया और एंड एल दूसरी लाइन पर। सी आउट एंटर योर एज, आपने देखा एंटर योर एज, सी इन डेटा, एज देखिए कोई ब्रेक में नहीं आ रही थी तो हमने नॉर्मल तरीके से लिखा है सी इन डेटा, कि जो डेटा हम पास करेंगे वो सीधा सीधा चला जाए। सी इन डॉट आई इग्नोर, अगर कुछ और आप दे रहे हो तो कुछ इग्नोर करवा दिया है आपका, वो पूरा इग्नोर हो जाएगा, एक फंक्शन है आई इग्नोर। और सी इन फंक्शन ने इग्नोर कर दिया जो हमारे इधर उधर का जो डेटा होता है कि आपके लाइक देश के इस डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो तो उसको इग्नोर करवा दिया हमने। नाउ आउटपुट फाइल, वही जो फाइल हमारे ए फाइल डेटा है उस पर हमें कुछ राइट करवाना है, तो ये देखिए राइट करवाने के लिए सीधा डेटा पास किया है मैंने, और ये आउटपुट फाइल जो ए फाइल डेट जो है वो किस ऑब्जेक्ट के पास है, इस ऑब्जेक्ट के पास है, तो सीधा ये ऑब्जेक्ट उससे इस ए फाइल डॉट डेट पर डेटा को राइट करवा रहा है। अब इसके बाद जो ए फाइल डॉट डेट है वो ओपन है, उसको क्लोज भी करवाइए, बोला था इट इज अ मैंडेटरी तो आपको मैंडेटरी है, तो आउट फाइल डॉट क्लोज ये क्लोज करवा दिया, ठीक है ना। ना ओपन ए फाइल इन ए रीड मोड, अब इस फाइल को रीड मोड में भी करना है कि आपकी फाइल क्रिएट हो गई थी जैसे ही रन किया था आपने, यहाँ पर क्रिएट हो चुका था कि आप रीडिंग फ्रॉम द फाइल दैट इज कॉल्ड द राकेश, तो और जब आपने इस फाइल को चेक किया तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये देखिए कि राकेश कुमार देख दे, तो ये चीज क्या थी हमारी कि अब हमें रीड करना है फाइल से, तो आई एफ स्ट्रीम इन फाइल वाई कि आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आई एफ स्ट्रीम का, फिर उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा लाइक दिस इन फाइल डॉट ओपन ए फाइल डॉट डेट, इसको ओपन कराया सी आउट रीडिंग फ्रॉम द फाइल और इन फाइल जिसके पास आपकी ये फाइल डॉट डेट है, आपने रीड किया डेटा को रीड किया और आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया विद द हेल्प ऑफ सी आउट डेटा, ठीक है। फिर अगेन सेकेंड लाइन आपने रीड करी, उसको स्क्रीन पर दिखवाया और आपने इन फाइल को क्लोज किया, तो जैसे ही आपने ये वर्कआउट किया आप फिर से देखिए मैं रन कर रहा हूं प्रोग्राम को, देन यू विल फाइंड आउट द रिजल्ट। मैंने लिखा जय कुमार यादव, फिर मैंने लिखा 24 5, अब मैंने एंटर मारा,
अब देखिए रीडिंग फ्रॉम द फाइल, फाइल से रीड किया हुआ है जय कुमार, रीडिंग फ्रॉम द फाइल जय एंड कुमार। नाउ लुक एट दिस कि जब मैं फाइल पर जाऊंगा तो ये देखिए फाइल पर क्या लिखा है, जय कुमार यादव 25। ठीक है, कंसोल पर अगर आप देख रहे हैं तो जय कुमार इन्होंने क्या किया है, पहला जो रीड किया है वो जय रीड कर लिया और दूसरा जो एज के नाम पे जो कराया वो कुमार को कर लिया इन्होंने, क्योंकि कंसोल स्पेस के बाद दूसरी चीज समझता है। लेकिन यहाँ पर तो इसने उसने डेटा रीड करवा दिया है एज पर कंसोल, लेकिन जो फाइल पर अगर जब आप जा रहे हो तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है, मैंने 24 कॉमा मतलब स्पेस देके 5 लिखा था तो वो 5 को इग्नोर कर दिया है। कि यहाँ पर आपने एक चीज देखी भी होगी कि इग्नोर के देखिए मैंने डेटा के साथ कुछ और पास किया था तो उसने इग्नोर कर दिया। लुक एट दिस 24.5। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम फॉर रीडिंग राइटिंग डेटा इन ए फाइल एंड रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। लुक एट दिस कि अगर आप ए फाइल की जगह यहाँ पर IT3 लिखते हैं .det लिखते हैं तो भी आपका क्या हो, थोड़ा सा मेरे को पूरा चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। देखिए IT3.det क्रिएट हो गई आपकी फाइल, लेकिन अपन ने कुछ लिखा नहीं है, रन किया था प्रोग्राम स्टॉप किया, लेकिन IT3.det आपकी फाइल क्रिएट हो गई है। तो अगर आप डेटा नहीं लिख रहे हैं लेकिन फाइल आपकी क्रिएट हो गई है तो ये दिस इज द फाइल, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने IT3 कर देता हूँ, IT3। ठीक है, रीडिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल। अब अगर आप रन करेंगे तो आपको डेटा देखने मिलेगा, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप, इंटर योर नेम RAKES राकेश कुमार। ये कंपाइलर थोड़ा सा वो हो रहा है स्लो वर्किंग में, मैं स्टॉप किया ना, रन कर रहा हूं मैं। ना जैसे अभी आपने ये देख रहे होंगे कि main.cpp a file.h IT3, तो जो डेटा आप यहाँ पर लिखोगे अब IT3.det में वो डेटा आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है कि सिर्फ है मेरे को राइटिंग करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है कि राइटिंग करना है मेरे को, तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने हटाया, एक मिनट। वापस से मैं कंपाइलर को चालू कर रहा हूं, लुक एट दिस, दिस इज द प्रोग्राम C++ फाइल स्ट्रीम एग्जाम राइटिंग टू ए फाइल, एक फाइल पर राइट करना है लाइक लुक दिस, सिर्फ राइट करना है, एक आयो स्ट्रीम एफ स्ट्रीम दोनों काम करेगी। तो जनरली हम कोई एक अगर आप यहाँ पर ओ लिखोगे तो सिर्फ आपको राइटिंग के लिए मिलेगा और आपने आई लिखा
तो सिर्फ इनपुट के लिए मिलेगा रीड करने, लेकिन एफ है तो आप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो साइमल्टेनियसली। तो जनरली जब भी आपको फाइल हैंडलिंग के साथ वर्कआउट करना पड़े तो आप एफ स्ट्रीम्स का यूज करा करें, एफ स्ट्रीम। ठीक है, देखिए ओ एफ स्ट्रीम्स, अब चूंकि मेरे को राइट करवाना है तो मेरे को कौन सा लिया मैंने, ओ एफ स्ट्रीम, इसका मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही मैंने जो फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम भी दे दिया, तो मेरा एक ही लाइन में हो गया काम। ठीक है, अब मेरे को इफ फाइल स्ट्रीम डॉट इज ओपन, क्या ओपन है ये फाइल, टेस्ट आउटपुट डॉट टीएक्सटी को मैंने चेक करवाया है, क्या मेरी ओपन है, अगर ओपन है तो फाइल स्ट्रीम वेलकम टू द जावा टी पॉइंट फाइल स्ट्रीम सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फाइल स्ट्रीम डॉट क्लोज, ये मैंने क्या करवाया, डेटा को लिखवाया। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरी एक फाइल क्रिएट होना चाहिए, जैसे ही फाइल क्रिएट होगी देखिए यहां पर देखिए टेस्ट आउट डॉट टेक्स्ट फाइल मेरी क्रिएट हो गई कंपाइल टाइम पर, रन टाइम पर, और उसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने लिखवाना चाहा वो मैंने लिख दिया। तो डेट इज व्हाट कि आप सिर्फ राइट कर सकते हो जो भी डेटा आपको लग रहा है, कंपाइल टाइम जो कमांड आर्गुमेंट टाइम्स होता है उस पर आप अगर कुछ लिखना चाह रहे हो तो उसके थ्रू भी आप डेटा लिख सकते हो अपनी फाइल पर, और आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं आप उसका ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी आउट नहीं लिखा आपने, सी आउट नहीं लिखा है आपने, आपने फाइल पर लिखवा रहे हो तो वो फाइल किसके पास है, वो फाइल स्ट्रीम के पास है, और उस तरीके से फिर आपने अपने डेटा को रीड राइट करवाया है। सिंपल है। अब मैं आपको अगला प्रोग्राम बताता हूँ कि अगला प्रोग्राम रीडिंग अ डेटा फ्रॉम द फाइल, कि फाइल से डेटा को अगर रीड करना हो तो क्या है हमारे पास। तो देखिए फाइल को रीड करने के लिए आई एफ स्ट्रीम हमने ली, टेक्स्ट डॉट आउट डॉट टी एक्स टी, ये फाइल हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुकी है। ठीक है, इससे डेटा को हमें रीड करना है तो वही पहले फाइल को चेक करो कि ओपन है या नहीं है। ओपन है तो अब आप देखो लाइन बाई लाइन हम पूरा डेटा रीड करने वाले हैं, तो हमने इसको वाइल लूप में लिया है। गेट लाइन मतलब लाइन बाई लाइन आप पूरा डेटा रीड करेंगे। ठीक है, कहां से रीड करेंगे इस, और जो यहां से रीड होगा वो कहां जाएगा, एसआरजी इस वाले इस वेरिएबल में, और इसको फिर हमने सी आउट से प्रिंट करवा लिया। फाइनली मैंने फाइल स्ट्रीम डॉट क्लोज करी, जैसे ही मैंने रन किया ये वाला प्रोग्राम, वेलकम टू द, देखिए उस फाइल से एक जो फाइल पर लिखा था वो डेटा ऑटोमेटिक रीड होके मैंने अपने कहा कमांड प्रॉम्प्ट पर डिस्प्ले भी करवा लिया। तो डेटा को लिखते कैसे हैं और रीड कैसे करते हैं ये दोनों प्रोग्राम आपने देखे। तो दिस इज योर फाइल हैंडलिंग, के आप फाइल हैंडल कैसे करते हो, बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस करिएगा आपको समझ में आएंगे। Now, एक अनदर प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड योर एक्सेप्शन हैंडलिंग, कोई बता सकता है मेरे को एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। जी सर, हम उसके अंदर ट्राई कैच और थ्रो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, कहीं से आवाज थोड़ा सा स्लो हो रही है। सर एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम
ट्राई कैच और थ्रो ब्लॉक जो रहते हैं उनका यूज करके हम देखते हैं कि अगर कोई एरर आ रहा हो तो वो पहले ही हम चेक कर ले। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी आपने प्रोग्राम रन किया और वो इनफाइनाइट लूप में चला गया। अब उससे बाहर आने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या होते हैं, रन टाइम एरर होते हैं जो कि हमें नहीं पता कैसे आने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सेप्शन। तो इन एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना होता है, ठीक है। और जब हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तो हमारे पास कुछ है, उसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। उसकी क्या है, कुछ फंक्शनैलिटी है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो एक मिनट मैं आपको, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस ओवर सी इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन आर रन टाइम एनोमलीज और एबनॉर्मल कंडीशन दैट ए प्रोग्राम एनकाउंटर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्सेप्शन, वन इज द सिंक्रोनस एंड अनदर इज द असिंक्रोनस, लाइक द प्रोग्राम कंट्रोल बियॉन्ड द प्रोग्राम कंट्रोल ऑन डिस्क फेलियर। इफ व्हेन वी परफॉर्म द डिस्क फेलियर एनोमलीज देन वी कैन हैंडल बाय यूजिंग द बैकअप प्लान, एंड इफ वी सिंक्रोनस दैट मींस आवर प्रोग्राम गोज इन in that condition like a infinite loop, or suppose we are dividing any number with the zero, that means this is also a runtime error. So इस types के error जब आते हैं तो हमें exception handling करनी पड़ती है, और ये सिर्फ exception handling हमें C++ से मिलना चालू हुई है। C++ में, Java में, .NET, फिर higher जो जितनी भी हमारी लैंग्वेज है, all the language support to the exception handling except the C. C++ exception handling is built upon the three keyword. One is the try, second is the catch, and third one is the throw. Throw, a program throws an exception when a problem shows up. This is doing using a throw keyword. Similarly, catch, a program catch an exception within the exception handler at the place in a program where you want to handle the problem. The catch keyword indicates the catching of an exception. And try, a try block identify a block of code for which particular exception will be activate. तो try का मतलब है वो blocks हमें program में find out करना है जहां पर कि हमारा एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड में हम कुछ पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं कि भाई यहाँ यहाँ कैच आएंगे, और हम फिर उसको कैच को पिक करने के लिए वहां पर क्या करते हैं, फील्डर अरेंज कर देते हैं। सिंपलर थिंग इज हियर कि फाइंड आउट द ब्लॉक इन होल प्रोग्राम वेयर द एक्सेप्ट रन टाइम एरर कैन बी फाउंड। तो उनको हम जो पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड है जहां पर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर एरर आ सकता है और किस टाइप का एरर आएगा, तो हम उस टाइप का कैच वहां पर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे ट्राई एंड कैच है। और प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम शोज अप, जब एक प्रॉब्लम शोज अप होती है तो हम थ्रोज करवा देते हैं कि भाई हैंडल करो, ये एक्सेप्शन आया है हमारे पास थ्रो कीवर्ड का यूज करके। व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग, सेपरेशन ऑफ एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम द नॉर्मल कोड, नॉर्मल कोड को अलग करना, ये पॉसिबिलिटीज है इतनी लाइन ऑफ कोड में ही, जो कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनमें कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये दैट इज कॉल्ड फंक्शन मेथड दैट कैन हैंडल एनी एक्सेप्शन दे चूज। कुछ फंक्शन और मेथड होते हैं जो कि चूज करते हैं कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, एरर की प्रोबेबिलिटीज है, ग्रुपिंग्स ऑफ एरर टाइप्स हैं।
लुक एट दिस, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. नेम इंटीजर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज द सम कोड आउटपुट बिफोर ट्राई. ट्राई मैंने किया सी आउट इन साइड दिस एक्स इज लेस देन जीरो थ्रो एक्स, आफ्टर थ्रो नेवर एग्जीक्यूटेड. मैंने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा है यहाँ पर, कैच करवाया कैच ब्लॉक इंटीजर एक्स एक्सेप्शन कॉटेड के, यहाँ पर आपने उस एक्सेप्शन को रीड करने की कोशिश करी कि हाँ एक्सेप्शन आ रहा है, अगर रन टाइम एरर होगा तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा. सी आउट आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड, ये आपका एक लाइन हमारी क्या होगी, प्रिंट होगी. रिटर्न जीरो, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, बिफोर ट्राई ये सी आउट, इनसाइड द ट्राई, इनसाइड द ट्राई मतलब आप इसके इनसाइड है, मतलब आपका ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है. इसके बाद एक्सेप्शन कार्टेड आपका ये भी हुआ है कि रन टाइम एरर आया है. इसके बाद आफ्टर कैच ये लाइन एग्जीक्यूट हुई. तो आपको सिर्फ ये बताया कि ट्राई मतलब ये लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पर ऐसी है कि एरर की प्रोबेबिलिटीज है. अब उस एरर की प्रोबेबिलिटीज को आपने कैच करवा लिया है, ठीक है, उसकी क्या है, कैच करवा लिया है. तो दिस इज योर ट्राई एंड दिस इज योर कैच एंड दिस इज थ्रो एक्स, मतलब एक्स की तरफ से हमारे पास मतलब थ्रोस करवाया है हमने एक्स है कि यहां से हमें क्या आएगा, एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है. तो लुक एट दिस, दिस इज द अनदर प्रोग्राम, लुक ट्राई थ्रो टेन, थ्रो टेन कैच कैरेक्टर और यहां पर मैंने पॉइंटर ले लिया है एक्सेप्शन का, कॉट एक्सेप्शन, किस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है वो प्रिंट करवाया है मैंने, ठीक है. ये पता तो होना चाहिए आपको कि किस टाइप का एक्सेप्शन. तो ये एक्चुअली क्या होता है, एक लोकेशन है जहां पर कि आपका एक्सेप्शन के टाइप्स हैं, किस टाइप के एक्सेप्शन आ रहा है उनकी पूरी वर्किंग डिफाइन है. तो अब आपको देखना है कि एरर तो आया लेकिन किस टाइप का आया है, तो आप उसको प्रिंट करवाओ, ठीक है, उसको आप प्रिंट करवा सकते हो. तो आपने प्रिंट करवाने के लिए सिंपल सा है कि अगर एक्सेप्शन आया, ठीक है, कॉट किया तो वो प्रिंट हो जाएगा किस टाइप का है, और अगर नहीं है तो आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन आएगा. अगर कोई स्पेशल टाइप का आ रहा है तो वो स्पेशल टाइप यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर होगा और प्रिंट हो जाएगा. लेकिन अगर नॉर्मल एक्सेप्शन आ रहा है डिफॉल्ट टाइप के, तो आपने देखिए कैच लगाया है. अब आप यहाँ एक चीज गौर करेंगे, एक ट्राई के साथ दो कैच हैं. अगर आपने एक ट्राई लगाया है तो एक कैच लगाना मस्ट है. एक से ज्यादा कैच आप एक ट्राई के साथ यूज कर सकते हैं. ट्राई एंड कैच मतलब सिंपल सी बात है, क्रिकेट ग्राउंड में आपने हिट करी बॉल को, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कैच की, तो आपने जैसे हिट करा बॉल को तो दैट इज कॉल्ड द ट्राई, और आपने अगर कैच कर लिया तो दैट इज मींस कि आपने वो एरर को हैंडल कर लिया. एरर आएंगे, हैंडल कर लिया आपने, मतलब कैच कर लिया, इसलिए आप इसको कैच यूज करते हैं, कैच बॉक्स का यूज करते हैं एक्सेप्शन में. नाउ लुक एट दिस, कि अब आपने फॉर एग्जांपल इफ एन एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड नॉट कॉट एनीवेयर द प्रोग्राम टर्मिनेटेड एबनॉर्मली. For example, in the following program, chair is thrown, but there is no catch block to catch a character. अब आप देखिए कि यहाँ पर integer man try throw A. मैंने A करवाया है, throw A, के A के through अब आप check करिए अपना exception. Catch integer X, caught it. अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आप देखिए यहाँ पर कि terminated call after throwing an instance of the character, this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way, please contact the application support team for the more information. अब सिंपल सा है,
अगर कोई प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, एबनॉर्मली टर्मिनेट, तो अगर आपने ये ट्राई और कैच नहीं लगाए हैं तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम को कुछ नहीं है, सिर्फ कंपाइलर को एबनॉर्मली टर्मिनेट करके आपको बाहर आना पड़ेगा। ये खत्म हो रही है क्लास, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा, मतलब कल, और कल हम अपनी यूनिट 5 को फिनिश करेंगे सेम टाइम पर 1 to 2 PM। ओके, साक्षी अटेंडेंस कंपाइल कर लीजिएगा। यस सर।